नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आर्यन कुमार। आप देख रहे हैं लखीसराय एक्सपोज न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखीसराय से, जहां बताया जा रहा है कि रामगढ़ से 2 किलोमीटर पीछे एक स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति जो पेड़ में टकरा दिया है, जिससे पूरे स्कॉर्पियो सवार क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं ये बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर किसी भी व्यक्ति को क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, बाल बाल बच चुका है और ग्रामीणों की काफी भीड़ लगी हुई है। यहां तक ये भी बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर पुलिस को सूचना दे दी गई है और पुलिस कुछ ही देर बाद जो है इस मामले को छानबीन करेगी। आखिर किस वजह से पेड़ में टकराव हुआ है या फिर ड्राइवर जो है अपने अनबैलेंस होने के कारण जो है टकराव किया है, क्या वजह है, ये सारी बातें पुलिस के आने के बाद ही बताया जाएगा। फिलहाल सूचना दे दी गई है रामगढ़ थाना को और वो जैसे ही पहुंचेगी वैसे ही घटनास्थल पर पूरे जांच की जाएगी और आगे आपको हम वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में देखिए किस तरीके से जो स्कॉर्पियो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, किसी तरह से बचने लायक नहीं रहा और वो पूरे तरीके से दुरुस्त हो चुका है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार से स्कॉर्पियो। रंग भी रखबा घीच के जाए कहाँ पूछो करके जाए तो चकबा इन आकर कह सकल तो कहाँ से किए रामगढ़ से 2 किलोमीटर पीछे का घटना है। यहाँ देख सकते हैं गाड़ी एक पर है जो कि एक्सीडेंट हो गया। फोर व्हीलर सेफ ड्राइव है, अपने लगा है, अपने मारा है, अनबैलेंस होगा ड्राइवर फरार है। अभी तक प्रशासन नहीं आया, दो तीन हमारे बुक नहीं कर दो। विशाल थर्ड ओनर, थर्ड हैंड गाड़ी, सही है।